हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एडियो फैक्स के कॉर्नर वीडियो में। तो मैं आपको बताऊंगा मैजिशियन जादू का कैसे हमें बेवकूफ बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं देखना ज्यादा लोग पसंद करते हैं जादू को अपने हाथ के सफाई और बैटरी टिक्स से हमें साइंस बेवकूफ बना देता है, लेकिन हम उनको पकड़ नहीं पाते। जादू को कभी रुमाल से कबूतर निकाल देते हैं तो कभी एक लंबी तलवार को सीधा अपने मुंह में डाल देता है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता है। क्या आप जानते हैं कि ये कोई चमत्कार नहीं होता, बल्कि वह छोटी छोटी ट्रिक्स का इस्तेमाल करता है। ऐसे एक जादू का दिखाता है कि वो मोमबत्ती की जलती हुई लौ को अपने अंगूठे पर ले लेता है और कुछ देर तक अपने अंगूठे पर ही रखता है। बाद में वो आग के लौ से दोबारा मोमबत्ती जला देता है। आपको लग रहा होगा कि ऐसा करने के लिए जादू को अपने अंगूठे पर कोई ज्वलनशील पदार्थ लगा लेते होंगे और समझ ज्यादा सावधानी से उस आग से दोबारा मोमबत्ती जला देते होंगे, लेकिन ये सच नहीं है। जादू का जो ट्रिक इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि जादूगर ने कितनी आसानी से बेवकूफ बना दिया। दरअसल जब कोई जादूगर मोमबत्ती से अपने अंगूठे पर आग के लौ लेता है, तब उसने अपने अंगूठे पर नकली अंगूठा पहन रखा हुआ होता है, जो कि एक प्रकार की मोमबत्ती होती है। जब वो अपने अंगूठे पर आग के लौ लेता है तो उसका अंगूठा नहीं जल रहा होता, बल्कि उसके अंगूठे पर लगी मोमबत्ती जल रही होती है। थोड़ी देर तक आग को अंगूठे पर रखने के बाद जादूगर दोबारा मोमबत्ती को जला देता है और हमें लगता है कि जादूगर ने मोमबत्ती को अपने अंगूठे से जला लिया। जादूगर का हर जादू के पीछे कोई ना कोई बेहतरीन ट्रिक होती है। जादूगर ट्रिक की मदद से हमारी नजरों को धोखा दे देता है और हम उन्हें पकड़ नहीं पाते। हैरी पॉटर का नाम सुनते ही तुम जादू दुनिया की याद आ जाती है। बच्चों के अलावा बड़े भी उसकी किताबों और फिल्मों में रुचि दिखाते हैं। दरअसल हैरी पॉटर की जादू शक्ति अपनी ओर खींचती है। तुमने कभी अपने सामने तो कभी फिल्मों में बहुत मैजिक शो देखे होंगे। मन में सवाल बार बार उठता है कि आखिर जादू का अंकल ने कैसे उस व्यक्ति को आसमान में उछाल दिया। क्या उस साड़ी में कुछ जादू शक्ति थी? तुमने सुना ही होगा कि कुछ समय पहले तक कोलकाता जादू की नगरी के रूप में जाना जाता था, इसलिए जादू का सामान भी यही मिलता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हर जगह से मैजिशियन आ रहा है और हर जगह इसका सामान भी मिल रहा है। राजा महाराजा के उस दौर में उन्हें खुश करने के लिए जादू को एक आर्ट के रूप में पेश किया जाता था। धीरे धीरे जब राशियां खत्म होने लगी तो जादू का कंगाली की कला पर आ गया, सड़कों पर मदारी बन गए। बाद में जब पढ़ने लिखने लगे तो इस कला को फिर से एक नई पहचान मिली। भारत व चीन से चलकर आया जादू का स्वभाव काफी फल फूल रहा है। देश विदेश में हर जगह जादूगरों को सामान और पैसा दोनों ही मिल रहा है। यह एक रियल मैजिक है, कोई जादू टोना या टोटका नहीं है। जादू ना तो हाथ की सफाई है और ना ही आंखों को धोखा दिमाग की चतुराई है। ये जादूगर के हाथ हमारी आपकी नजरों और दिमाग से कहीं ज्यादा तेजी से काम करता है, इसलिए हम उन्हें अच्छी तरह से समझ नहीं पाते और जादू से लगता है। जब कोई चीज इंसान को समझ नहीं आती तो उसे जादू मान लेता है या फिर भगवान, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो अपने क्षेत्र में जो भी सर्वश्रेष्ठ है उसका अंदर जादू है, वो जादूगर। जैसे सचिन के बल्ले और रहमान के संगीत में है जादू, अंग्रेजी के शब्दों से भी मैजिक का समझा जा सकता है। जादू एक प्रदर्शन कला जो कि हाथ की सफाई से लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। हालांकि इस बात को कोई भी नहीं जानता है कि जादू किया कैसे जाता है और ये कितना सच है या फिर ये लोगों को बेवकूफ बनाने का एक जरिया है। ऐसा भी कहा जाता है कि जादूगर अपने जादू के द्वारा प्राकृतिक साधनों का उपयोग करता है। ये एक भ्रम जाल कहा जाता है। जादू को दर्शकों का एक मनोरंजन पात्र कहा जाता है। वह लोग जो ऐसे भ्रम जालों का प्रदर्शन करते हैं, कुछ कलाकारों को उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने उन्हें बाजीगर या फिर बच निकलने वाला कलाकार कहकर बुलाया जाता है। सिक्का गायब करने की ट्रिक। दोस्तों, ये बचपन में की गई सबसे ज्यादा आम ट्रिक थी और छोटे मोटे जादूगर भी इसे कर लिया करते थे, लेकिन हम तब भी और आज भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये होता कैसे है, कैसे एक सिक्का अचानक से गायब हो जाता है जो शायद यही तो था। अगर इस ट्रिक से आपको भी कहीं बार चौंका दिया गया है तो अब आपकी बारी जानने की, मेरे दोस्त। दरअसल जादूगर सिक्के को अपने कलाइयों में बड़ी सफाई से छुपा लिया करता था और हम सभी ये सोचते थे कि ये सिक्का गायब हो चुका है। ये सबसे आसान मैजिक ट्रिक्स में से एक है। उड़ता हुआ आदमी। दोस्तों, आपने उड़ते हुए जादूगर के जादू तो देखे ही होंगे। वो जादूगर जो हवा में बैठ जाया करते थे, इस जादू से जादूगर कई लोगों को चकमा दे देते थे, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है। आपने तो नोटिस किया होगा कि उड़ने वाला जादूगर हमेशा एक डंडा साथ रखता है। दोस्तों, इसी डंडे पर वो स्टैंड होता है जो हवा में लटक रहा होता है, जिसे छुपा कर उस पर ये बैठता है। ये ट्रिक बहुत आसान ट्रिक है, लेकिन इसे पकड़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल। पानी पर चलना। दोस्तों, आप किसी भी मैजिक शो में गए हो तो वहाँ पर आपने पानी पर चलने वाला जादू जरूर देखा होगा। ये जादू लोगों को बुरी तरह हैरान कर देता है। वो जब इसे देखते हैं तो उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है, लेकिन वो शायद ये नहीं जानते कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी ट्रिक छुपी हुई है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि जादू कभी किसी नदी या किसी और वाटर बॉडी में नहीं किया गया, इसे बस स्विमिंग पूल में किया जाता था। इसके पीछे का कारण था प्लास्टिक। पानी पर चलने वाले जादूगर के पैरों के नीचे प्लास्टिक लगी होती थी, जो प्लास्टिक किस तरह के मटेरियल से बनी होती थी कि नजर ना आए। तलवार निकलना। दोस्तों, अगर मैं इस दुनिया की सबसे खतरनाक मैजिक ट्रिक कहूँ तो गलत नहीं होगा। जिस सीन में जादूगर तलवार निकलता है वो सीन लोगों को दिल दहला देने वाले के लिए काफी है, लेकिन इस ट्रिक को इतने आसानी से नहीं किया जा सकता। इस ट्रिक को करने के लिए बहुत सारा मेंटल कॉन्सेंट्रेशन लाना पड़ता है। इस मैजिक के पीछे ट्रिक यही थी कि जादूगर सच में एक तलवार निकलता था। ये भले ही जादू नहीं था, लेकिन इसमें मैजिशियन की जान को खतरा रहता था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को करना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।